हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम, मेरा चैनल कुक शो में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ चटपटी से आइटम बनाएंगे जिसका नाम है छोले पकोड़ा। थोड़ा क्रंची भी है, थोड़ा टेस्टी भी है और आजकल तो बारिश का दिन है, गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ खाएंगे तो बहुत टेस्टी आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चना दाल है, उसको हम पानी में 3 बार तक सोक करेंगे। चना का सोक करने के बाद उसको बॉईल किया है, एक प्लेट में उसको रखेंगे। ये है बेसन 1 कप, ये 1/2 कप राइस फ्लावर, ये हल्दी पाउडर, ये रेड चिली पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये बेकिंग सोडा, ये थोड़ा सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये धनिया पत्ता, फिर उसके बाद पानी में उसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके उसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें भी मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कैसे हो गया हमारा। सबसे पहले ये ऑयल को गरम करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। देखिए कैसे कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके साइड में, उसके बाद हम उसको प्लेट में निकाल देंगे। देखिए हमारा पकोड़ा कैसा है। फिर उसके बाद हम सेम प्रोसेस में पकोड़ा को ऐसे ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम प्लेट में सॉप करेंगे। देखिए थोड़ा क्रंची भी आ रहा है और खाने में तो बहुत टेस्टी आएगा, बारिश के दिन में भी आपको अच्छा लगेगा। ये है हमारा चाट मसाला, उस पे ऊपर थोड़ा स्प्रिंकलिंग करेंगे। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।